गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर 8 रनिंग है। चैप्टर 8 आज हम कंप्लीट करेंगे। चैप्टर 8 में आज हम पढ़ रहे थे कीपिंग प्रॉमिस, वादा निभाना या वादा रखना। ठीक है, यदि हम किसी से वादा करते हैं तो उसे हर कीमत पर हमें पूरा करना चाहिए। ठीक है, ये हम पढ़ रहे थे। तो एक स्टोरी इसमें पढ़ रहे थे, एक स्ट्रेंज पाइपर, विचित्र बांसुरी वाले। ठीक है, एक बांसुरी वाला था, वो यूरोप का एक शहर जो नदी के किनारे स्थित था। उस शहर में बांसुरी वाला था। उस शहर में बहुत सारे लोग निवास करते थे, लेकिन जितने वहाँ मनुष्य थे उससे ज़्यादा तो वहाँ पर चूहे रहते थे, और वहाँ के लोग चूहे से बहुत ज़्यादा परेशान थे, और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि हम इस चूहे से छुटकारा कैसे पाएं। तब सब गांव वाले क्या करते हैं, मेयर के पास जाते हैं। फिर मेयर सबको मीटिंग के लिए, एक बैठक के लिए सबको बुलाता है। ठीक है, तब वहां के जितने भी लोग रहते हैं सब बातचीत करते हैं, लेकिन किसी को भी चूहे से छुटकारा मिलने के लिए कोई भी समाधान नहीं मिलता है। तब क्या होता है, जब मीटिंग चलते रहता है, उन लोग का बातचीत चलते रहता है, तब एक आदमी वहाँ आता है। और वो आदमी कैसा रहता है, लंबा पतला, और वो अपने सिर पर एक फनी कैप, मजाकिया टोपी पहना हुआ रहता है, और अपने हाथ में एक बांसुरी पकड़ा रहता है। तब वो क्या बोलता है कि मैं आप सभी को इस चूहे से छुटकारा दिला सकता हूँ, लेकिन बदले में मुझे आप क्या देंगे, एक बैग सोने से भरा बैग देंगे। तब तो मेयर क्या बोलते हैं, हम तुम्हें सोने से भरे दो बैग देंगे यदि तुम हमें इस चूहों से छुटकारा दिला देते हो। ठीक है, ये हमारा प्रॉमिस है, हम वादा करते हैं कि यदि चूहे से तुम छुटकारा दिला दिए तो हम तुमको दो बैग सोने से भरा देंगे। ठीक है, तब वो पाइपर क्या करता है, वो गली में जाता है और अपना बांसुरी बजाना शुरू करता है, और उसके बांसुरी का आवाज़ सुनते ही सारे चूहे निकलकर बाहर आ जाते हैं, और फिर बांसुरी वाले के पीछे पीछे चलने लगते हैं। यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं। फिर क्या होता है, वो चलते जाता है और अपना बांसुरी बजाते रहता है। बांसुरी बजाते बजाते वो नदी तक पहुँचता है, और जब फिर नदी में वो कदम रखता है तो चूहे भी उसके पीछे पीछे चलते रहते हैं, और जैसे वो नदी में अपना कदम रखता है सारे चूहे भी नदी में जाते हैं, और सब चूहे क्या होते हैं, डूब जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। द रैट्स फॉलोड हिम, चूहे ने हिम उसका पीछा किया, एंड वेयर ड्रॉन, और वे सारे डूब गए। देन तब द पाइपर, बांसुरी वाला, रिटर्न टू द टाउन, रिटर्न मीन्स वापस आना, टू द टाउन, शहर की ओर वह वापस शहर आया, एंड आस्क्ड, और पूछा, फॉर हिज टू बैग्स फुल ऑफ गोल्ड, उसके टू बैग्स, दो बैग फुल ऑफ गोल्ड, सोने से भरे। बांसुरी वाला क्या किया, चूहे को सबको नदी में डुबा दिया, और फिर जब वो वापस आया तब वो अपना दो बैग सोने के लिए बोला। बट लेकिन द मेयर वॉज अ ग्रीडी मैन, एक लालची व्यक्ति, लेकिन जो मेयर था वो एक लालची व्यक्ति था। ही सैड, वह बोला, अवर ऑफर, हमारा जो ऑफर था तुम्हें देने का, ऑफ टू बैग्स वॉज ओनली अ जोक, दो बैग सोने देने का ऑफर वाज था ओनली, केवल अ जोक, एक मजाक, हमने जो तुम्हें ऑफर दिया था वो सिर्फ एक मजाक था।
वी विल गिव यू अ स्मॉल बैग फुल ऑफ गोल्ड फॉर द ट्रबल यू हैव टेकन दैट शुड बी मोर देन इनफ वी हम विल गागे या गिव देना यू तुम्हें अ स्मॉल बैग एक छोटा सा बैग फुल ऑफ गोल्ड सोने से भरा हुआ फॉर द ट्रबल मुसीबत या कठिनाई के लिए यू हैव टेकन जो तुमने हमारे लिए लिया है हमारे लिए या हम सभी के लिए तुम जो कठिनाई मुसीबत लिए या मुसीबत का सामना किए उसके लिए हम तुम्हें केवल एक छोटा सा बैग सोने से भरा देंगे दैट शुड बी मोर देन इनफ या शुड बी मोर देन इनफ इनफ मीन्स काफ़ी या पर्याप्त से अधिक होना चाहिए क्या बोल रहे हैं पहले तो मेयर क्या बोले थे कि तुम इस चूहे से छुटकारा दिला देते हो तो हाँ मैं तुम्हें दो बैग सोने से भरा दूंगा लेकिन जब छुटकारा मिल गया पाइपर वापस आया तब क्या बोल रहे हैं कि वो तो सिर्फ एक मजाक था हमने तुम्हें दो बैग सोने का बात किया था वो तो सिर्फ एक मजाक था तुम्हें एक छोटा सा बैग दे रहे हैं सोने से भरा हुआ जो तुमने हमारे लिए कठिनाई या मुसीबत उठाई है उसके लिए हम तुम्हें सोने से भरा एक बैग दे रहे हैं ठीक है द पाइपर वॉज एंग्री ही सेड इज दिस हाउ यू कीप योर वर्ड द पाइपर बांसुरी वाला वॉज एंग्री क्रोधित हुआ ही सेड वह बोला इज दिस यह है हाउ कैसे यू कीप योर वर्ड यह आप अपना वर्ड कैसे रखते हैं मतलब आप अपना जो प्रॉमिस किए वादा किए वो कैसे निभाते हैं ठीक है उनकी बात को सुनकर वो पूछ रहा है द मेयर लाफ्ड एंड सेड वेल वी आर नाउ रीड ऑफ द रेट्स एंड डोंट नीड यू एनी मोर बट सीन्स आई गेव यू माई वर्ड हेयर इज वन बैग फुल ऑफ गोल्ड टेक इट और लीव इट यू विल गेट नथिंग मोर द मेयर लाफ्ड हंसे एंड सैड मेयर हंस रहे थे मुस्कुरा रहे थे एंड सैड और बोले वेल अच्छा वी हम आर हैं नाउ अब रीड मीन्स छुटकारा मिल गया ऑफ द रेड्स एंड डोंट नीड मीन्स आवश्यकता यू एनी मोर कोई भी क्या बोल रहे हैं वी आर नाउ रीड ऑफ द रेड्स हमें चूहों से छुटकारा मिल गई एंड डोंट नीड यू एनी मोर और हमें तुम्हारी या किसी की भी ज़रूरत नहीं है अब हमारा काम तो हो गया उनके कहने का मतलब यही ना है कि अब हमारा काम तो हो गया अब हमें किसी की ज़रूरत नहीं है बट लेकिन सिंस जब से आई गेव यू माई वर्ड लेकिन मैंने जब से तुम्हें अपना शब्द दिया है अपना वर्ड हेयर इज वन बैग फुल ऑफ गोल्ड यहाँ एक बैग सोने से भरा हुआ है टेक इट इसे ले लो और लीव इट और यहाँ से चले जाओ यू विल गेट नथिंग मोर गेट मीन्स पाना नथिंग कुछ भी नहीं इससे अधिक तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा क्या बोल रहे हैं अब तो हमें चूहों से छुटकारा मिल गया है अब हमें किसी की ज़रूरत नहीं है लेकिन जब हमने अपना वर्ड दिया था अपना शब्द दिया था प्रॉमिस किया था इसलिए हम तुम्हें एक बैग सोने से भरा हुआ दे रहे हैं इसे तुम लो और चले जाओ इससे ज़्यादा तुम्हें और कुछ भी नहीं मिलेगा द पाइपर वॉज नाउ वेरी एंग्री ही सैड आई विल हैव टू बैग्स और नथिंग गिव मी वॉट यू प्रोमिस्ड एंड ऑल विल बी वेल इफ यू डोंट यू विल बी सॉरी फॉर इट यू विल हैव टू रिपेंट द पाइपर वॉज नाउ वेरी एंग्री बांसुरी वाला अब और भी ज़्यादा क्रोधित हो गया था
ही सेड, वह बोला, आई विल हैव टू बैग्स और नथिंग, मुझे दो बैग सोना चाहिए और नथिंग, या तो कुछ भी नहीं। ठीक है, वो बोल रहा है कि मुझे दो बैग सोना चाहिए या फिर कुछ भी नहीं। गिव मी व्हाट यू प्रॉमिस्ड, गिव मी, मुझे दीजिए, व्हाट यू प्रॉमिस्ड, जो आपने वादा किया था वो मुझे आप दीजिए, एंड ऑल विल बी वेल, और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ठीक है, आपने जो बोला था, जो कहा था, वो आप मुझे दीजिए और फिर सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इफ़ यू डोंट, यदि आप नहीं देते, यू विल बी सॉरी फॉर इट, आपको इसके लिए खेद होगा, आपको इसके लिए खेद होगा। यू विल हैव टू रिपेंट, रिपेंट पछताना, आप पछताएंगे। ठीक है, यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप इसके लिए पछताएंगे। एट दिस द मेयर टू वॉज एंग्री, ही सैड, नाउ यू विल गेट नथिंग ऑफ विथ यू, और आई विल आस्क माई सर्वेंट्स टू थ्रो यू आउट। एट दिस द मेयर, यह सुनकर द मेयर टू वॉज वे एंग्री, टू मीन्स भी, यह सुनकर इस बात पर मेयर भी क्रोधित हो गए थे। ही सैड, वह बोले, नाउ अब यू विल गेट नथिंग, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, ऑफ विथ यू, तुम्हारे साथ, और आई विल आस्क माई सर्वेंट्स नौकर, टू थ्रो मीन्स फेंकना, यू आउट, अब तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, मैं अपने नौकर से कहकर तुम्हें बाहर फेंकवा दूंगा। ठीक है, तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं अपने नौकरों से बोलकर तुम्हें यहाँ से बाहर फेंकवा दूंगा, ऐसे बोल रहे हैं। द पाइपर लेफ्ट विदाउट अ वर्ड, ही केम आउट ऑन द स्ट्रीट एंड बिगन टू प्ले ऑन हिज पाइप अगैन, दिस टाइम ही प्लेड अ डिफरेंट ट्यून। द पाइपर, बांसुरी वाला, लेफ्ट विदाउट अ वर्ड, बिना कुछ बोले चला गया, छोड़ दिया, मतलब उस जगह को छोड़ा। ठीक है, बांसुरी वाला बिना कुछ कहे चला गया। ही केम आउट, वह बाहर आया, ऑन द स्ट्रीट, गली पर, एंड बिगन, और शुरू किया, टू प्ले ऑन हिज पाइप अगेन, और अपना बांसुरी फिर से बजाना शुरू किया। ठीक है, वह बाहर आया और अपना बांसुरी बजाना शुरू किया। दिस टाइम, इस बार, ही प्लेड, वह बजा रहा था, अ डिफरेंट ट्यून, एक अलग धुन, इस बार वह अलग धुन बजा रहा था। एट द साउंड ऑफ हिज पाइप, द चिल्ड्रेन ऑफ द टाउन बिगन टू कम आउट ऑफ देयर होम्स, दे फॉलोड हिम डांसिंग एज ही वेंट डाउन द स्ट्रीट, देयर पेरेंट्स कॉल्ड आफ्टर देम बट दे वुड नॉट लिसन, द पाइपर लेट देम आउट ऑफ द टाउन एंड अप अ हिल, द पीपल डिड नॉट नो वाट टू डू। एट द साउंड ऑफ हिज पाइप, उसके बांसुरी की आवाज़ पर, द चिल्ड्रन, बच्चे, ऑफ द टाउन, शहर के बच्चे, बिगन, शुरू किए, टू कम आउट, बाहर आना, ऑफ दियर होम्स, अपने घरों से, उसके बांसुरी की आवाज़ से सारे बच्चे, शहर के सारे बच्चे, अपने घरों से बाहर आना शुरू किए। दे फॉलोड हिम, फॉलोड, पीछा किए, हिम, उसका, डांसिंग, नाचते हुए, एज ही वेंट डाउन द स्ट्रीट, वे गली में गए और सारे बच्चे उसका पीछा करने लगे, और सभी नाचते हुए उसके पीछे पीछे चले गए। डियर पेरेंट्स, उनके माता पिता, कॉल्ड, बुला रहे थे, आफ्टर देम, उनको, बट, लेकिन, दे वुड नॉट लिसन, लेकिन वे नहीं सुन रहे थे, लिसन में सुनना। द पाइपर लेट देम आउट ऑफ द टाउन एंड अप अ हिल, पाइपर, बांसुरी वाला, लेट देम, उन्हें ले गया आउट, बाहर, ऑफ द टाउन, शहर से, बांसुरी वाला उनको शहर से बाहर ले गया, एंड अप अ हिल, और एक पहाड़ी पर चला गया। ठीक है,
सारे बच्चे भी पीछे पीछे नाचते हुए चले गए और शहर से उनको कहाँ ले गया, एक पहाड़ी पर। द पीपल डिड नॉट नो वाट टू डू, पीपल लोग डिड नॉट नो नहीं जानते थे वाट टू डू क्या करना है। सारे पेरेंट्स लोग क्या हो गए, चिंतित हो गए और उन्हें मालूम नहीं था कि अब आगे उन्हें क्या करना है। तब क्या किए, देन दे डिड द ओनली थिंग दे कुड, दे वेंट टू द मेयर एंड सेड टू हिम, वी वांट आवर चिल्ड्रेन, वी मस्ट हैव देम बैक, गेट देम बैक और वी विल किल यू एंड लूट ऑल योर गोल्ड। देन तब दे डिड, वे किए द ओनली थिंग, केवल वह चीज दे कुड जो वह कर सके, वे वही किए जो वे कर सकते थे। दे वेंट टू द मेयर, वे मेयर के पास गए एंड सेड टू हिम और उनसे बोले, वी वांट आवर चिल्ड्रन, वांट मीन्स चाहना, हम अपना बच्चा चाहते हैं, हमें अपना बच्चा चाहिए, वी मस्ट हैव देम बैक, हमें उनको वापस चाहिए, गेट देम, गेट मीन्स प्राप्त करना, देम उनको, बैक हमें हमारे बच्चे को वापस दिलाइए, और या वी विल किल यू, हम तुम्हें जान से मार देंगे, एंड और लूट ऑल योर गोल्ड, और तुम्हारा सारा सोना लूट लेंगे। ठीक है, हमें अपना बच्चा चाहिए, यदि तुम हमारे बच्चे को वापस नहीं करते हो तो हम क्या करेंगे, तुम्हें जान से मार देंगे और तुम्हारा सारा सोना लूट लेंगे। द मेयर वॉज फ्राइटेंड, ही रन आफ्टर द पाइपर, ही वेंट अप द हिल एंड सेड टू द पाइपर, आई विल गिव यू योर टू बैग्स फुल ऑफ गोल्ड, प्लीज लेट द चिल्ड्रेन गो बैक टू दियर पेरेंट्स। द मेयर वॉज फ्राइटेंड, डरा हुआ मेयर डर गया था। ही रन आफ्टर द पाइपर, वह बांसुरी वाले के पीछे भागा। ही वेंट अप द हिल, वह पहाड़ी पर गया एंड सेड टू द पाइपर और बांसुरी वाले से बोला, आई विल गिव यू योर टू बैग्स फुल ऑफ गोल्ड, आई विल गिव यू, मैं तुम्हें दूंगा योर, तुम्हारा टू बैग्स फुल ऑफ गोल्ड, तुम्हारा दो बैग सोने से भरा मैं तुम्हें दूंगा, प्लीज कृपया, लेट, लेट मीन्स दो। द चिल्ड्रेन गो बैक, वापस जाना, टू दियर पेरेंट्स, बच्चे को उनके माता पिता के पास वापस जाने दो, मैं तुम्हें दो बैग सोने से भरा हुआ दूंगा। द पाइपर स्माइल्ड एंड सेड, नाउ यू विल हैव टू गिव मी फोर बैग्स, टू फॉर किलिंग द रैट्स एंड टू फॉर रिटर्निंग द चिल्ड्रेन। पाइपर बांसुरी वाला स्माइल्ड, मुस्कुराया एंड सैड और बोला, नाउ अब यू विल हैव टू गिव मी, अब तुम मुझे दोगे फोर बैग्स, चार बैग, टू दो फॉर किलिंग द रैट्स, दो चूहे को मारने के लिए, एंड टू और दो फॉर रिटर्निंग द चिल्ड्रेन, बच्चे को वापस भेजने के लिए। बांसुरी वाला क्या बोल रहा कि अब तुम मुझे दो बैग, सॉरी चार बैग दोगे, दो बैग चूहों को मारने के लिए और दो बैग बच्चों को वापस भेजने के लिए। ठीक है, पहले तो दो बैग का बात हुआ था, फिर भी वो लालची मेयर नहीं दिया, अब तो उसको चार बैग देना है। अब अगर वो दो बैग पहले ही दे दिया होता तो अभी उसको चार बैग देना पड़ता नहीं, लेकिन वो लालची था और लालची लोगों के साथ अक्सर यह होता है। द मेयर हैड टू गिव फोर बैग्स, द मेयर हैड टू गिव, दिया फोर बैग्स, चार बैग सोना। द पाइपर देन स्टॉप्ड प्लेइंग ऑन हिज पाइप एंड टोल्ड द चिल्ड्रेन गो टू गो बैक टू दियर पेरेंट्स। पाइपर बांसुरी वाला देन द स्टॉप्ड, बंद किया प्लेइंग बजाना, ऑन हिज पाइप, अपना बांसुरी,
तब बांसुरी वाले ने अपना बांसुरी बजाना बंद किया एंड टोल्ड द चिल्ड्रेन और बच्चों से कहा टू गो बैक टू दियर पेरेंट्स कि अपने तुम अपने माता पिता के पास जाओ। ठीक है, चैप्टर कंप्लीट हो गया। बहुत ही अच्छा चैप्टर था। इसमें क्या सीखे हम कि हमें लालची नहीं होना चाहिए और एक चीज़ कि यदि हम किसी से वादा करते हैं तो उस वादा को हमें किसी भी कीमत पर पूरा करना चाहिए, वादा निभाना चाहिए। ठीक है, वादा से मुकरना नहीं चाहिए। एक्सरसाइजेस यहाँ देखिए, 1 कंप्लीट दिस सेंटेंसेस। यहाँ 5 सेंटेंसेस है जो अनकम्प्लीट है, इससे आपको पूरा करना है होमवर्क में। ठीक है, और साथ में एक पेज राइटिंग करेंगे। ओके, क्लास यहीं समाप्त करते हैं। टेक केयर बच्चे, बाय बाय।